जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चिंच पोखड़ी लिखा है, उसके नीचे चिंतामणि लिखा है। तो चिंतामणि का जो गणपति का आगमन है, देखो गाइस यहाँ पे गुफा है, यहाँ से आने का जगह है और इस जगह पे चिंतामणि का जो गणपति है वो बैठने वाला है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द अनदर ब्लॉग। और मैंने इतने सारे गणपति की मूर्ति वगैरह एक्सप्लोर की है, लालबाग का भी गणपति मैंने एक्सप्लोर किया और फाइनली आज मैं चिंतामणि के वहाँ पे आया हूँ। चिंतामणि के यहाँ पे अभी तक डेकोरेशन वगैरह कुछ भी नहीं किया, देख सकते हो यहीं पे चिंतामणि का जो गणपति है वो बैठता है, यही जगह है जहाँ पे चिंतामणि का गणपति बैठता है। अभी तक मैंने कवर अप नहीं किया था, बट आज मैं कर रहा हूँ। मैंने किसी से मतलब यहाँ के लोगों से बात किया है कि परमिशन मिल चुका है, थोड़ा लेट बनेगा लेकिन बनने वाला है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये चिंतामणि का जो है, यहाँ पे चिंतामणि का गणपति बैठेगा। और ये चिंच पोकली के स्टेशन के बाहर ही है, इश्क के स्टेशन के बाहर ही है। जैसे आप स्टेशन के बाहर आओगे ब्रिज के नीचे, तो आपको ये जगह देखने मिल जाएगा। यहाँ पे चिंतामणि का जो गणपति है वो आगमन होने वाला है। फिलहाल तो अभी बैठा नहीं है, बट बहुत जल्दी बैठ जाएगा। ये सबसे लेट गणपति बैठने वाला है इस बार, क्योंकि परमिशन सबसे लेट मिला है ना, तो बैठेगा सबसे लेट। तो गाइज यहाँ पे चिंतामणि का जो मंडप है वो सजावट होने वाला है थोड़े दिनों के बाद, और यहीं पे चिंतामणि का गणपति बैठने वाला है। आप सामने देख सकते हो, इस नाम के लिए बहुत लोग पागल हो जाते हैं, यहाँ पे फोटो वगैरह बहुत सारे लोग क्लिक कर रहे थे। तो यहाँ पे जो है चिंतामणि का गणपति बैठने वाला है, टाइम है फिलहाल, तो परमिशन लेट मिला इसलिए अभी तक बैठा नहीं है। और यहाँ पे कोई डेकोरेशन वगैरह भी नहीं किया, लेकिन जब बैठ जाएगा मैं फिर यहाँ पे आऊँगा और वो ब्लॉग आपको दिखाऊंगा। जब आगमन हो जाएगा उसके बाद भी मैं यहाँ पे आपको दिखाऊंगा। जैसे कि आप मेरे पीछे देख सकते हो चिंतामणि का नाम लिखा, और यहाँ चिंतामणि का गणपति यहीं पे बैठता है। इस बार डेकोरेशन वगैरह थोड़ा लेट होने वाला है, इसके लिए अभी तक कोई तैयारी नहीं किया है। बाकी मंडप देख सकते हो यहाँ पे बाजू पे, ये मंडप में चिंतामणि का गणपति बैठने वाला है। परमिशन थोड़ा लेट मिला इस बार मुंबई में हर गणपति को, इसके लिए चिंतामणि का गणपति बैठने को भी टाइम लगने वाला है। बट ऐसा नहीं कि नहीं बैठेगा, बैठ जाएगा बहुत जल्दी, बट टाइम लगेगा। बट चिंतामणि का जब गणपति बन के आया तो बहुत ही औसम गणपति, लालबाग के बाद जो गणपति सबसे ज़्यादा फेमस है हमारे मुंबई में वो चिंतामणि का गणपति। इसको लाखों करोड़ों लोग फैन है उस गणपति को देखने का। तो मैं आपको सिनेमेटिक्स दिखा देता हूँ जरा यहाँ का, तो उससे आप लोग समझ जाओगे कि कितना भारी यहाँ पे डेकोरेशन होने वाला है। और चिंतामणि का जो बाहर का लोगो है ना, वो देख के बहुत लोग खुश हो जाते हैं और बहुत लोगों को पसंद आता है, और बहुत लोग तो यहाँ पे आके ओनली फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, बाकी कुछ नहीं। उनके साथ में चिंतामणि का एक नाम के साथ में अपना फोटो वगैरह क्लिक करते हैं, ताकि वो लोग को भी लगे कि हम चिंतामणि के वहाँ पे जाके आए थे। मुझे तो बहुत दिन पहले पता भी नहीं था कि यही चिंतामणि का गणपति यहाँ पे थे। मैंने यहाँ से बहुत सारे राउंड मारे थे यहाँ पे आगे जाने के लिए, लेकिन मुझे पता नहीं चला। फाइनली मैंने किसी को पूछा तो बताया कि यही चिंतामणि का गणपति और यहीं पर बैठता है इसी मंडप के वहाँ पे। तो मैं आपको सिनेमेटिक्स दे देता हूँ, जिससे आपको पता लगे कि हाँ पापा वही जगह है जहाँ पे चिंतामणि का आगमन होने वाला है। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो चिंच पोखड़ी लिखा है, उसके नीचे चिंतामणि लिखा है। तो चिंतामणि का जो गणपति का आगमन है, देखो गाइस यहाँ पे गुफा है, यहाँ से आने का जगह है और इस जगह पे चिंतामणि का जो गणपति है वो बैठने वाला है। फिलहाल अभी तक बैठा नहीं है क्योंकि परमिशन लेट मिला है, तो इसके लिए थोड़ा टाइम लग गया बैठने के लिए, लेकिन बैठेगा ऐसा है, बैठने वाला है चिंतामणि का गणपति भी। और आप सामने देख सकते हो चिंतामणि का जो बोर्ड है वो यहाँ पे लगा है, क्योंकि चिंतामणि का गणपति यहीं पे बैठता है। मेरे पीछे आप देख सकते हो चिंतामणि का जो डेकोरेशन है वो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, लेकिन गणपति इसी जगह पे बैठती है चिंतामणि की। और बहुत लाखों करोड़ों फैंस यहाँ पे आते हैं उस टाइम पे जब चिंतामणि की गणपति यहाँ पे बैठती है। अभी तक तो यहाँ पे कोई भी डेकोरेशन नहीं किया है, क्योंकि इस बार गणपति की हर गणपति को अलग अलग टाइमिंग दिया है, मतलब परमिशन लेट मिला है। तो लालबाग का तो परमिशन मिल चुका है, चिंतामणि का मिलना बाकी है, और मिल चुका है वैसे तो, बट डेकोरेशन वगैरह अभी तक कुछ किया नहीं है। बहुत जल्दी यहाँ पे डेकोरेशन वगैरह सब हो जाएगा, तब उस गणपति जब यहाँ पे आगमन होगा गणपति का, तब भी हम यहाँ पे आएंगे, तब हम गणपति के दर्शन के लिए यहाँ पे जब आएंगे तो आपको चिंतामणि का गणपति भी दिखाने की पूरी कोशिश करूँगा। आप फिलहाल तो देख सकते हो यहाँ पे पीछे थोड़ा बहुत स्टार्टिंग वगैरह कर दिया है यहाँ पे गणपति बिठाने के लिए, बट धीरे धीरे करके सब हो जाएगा। तो जब थोड़ा सा और प्रिपरेशन यहाँ पे हो जाए, जैसे कि मैंने लालबाग पे बोला था आपको, तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं लालबाग के वहाँ पे भी गया था, तो मैंने उसके बाद आपको ये भी बोला था कि मैं एक हफ्ते के बाद फिर से वहाँ पे जाऊँगा, और मैं वहाँ पे गया एक हफ्ते के बाद। मैं लालबाग के वहाँ पे गया और अपने पार्ट टू देख लिया होगा। जब मैं लालबाग गया था तभी परमिशन बिल्कुल नहीं मिला था वीडियो बनाने के लिए, बट मैंने बहुत कन्विंस किया, बहुत रिक्वेस्ट किया, उसके बाद जाके मुझे वहाँ पे परमिशन मिला था। और मैं लालबाग के वहाँ पे दो बार जाके ब्लॉग बना के आया था, और पहली बार मैं चिंतामणि के वहाँ पे आया हूँ। आज चिंतामणि के एक हफ्ते के बाद फिर से यहाँ पे पूरा डेकोरेशन वगैरह हो जाएंगे, मैं फिर से आऊँगा जरूर यहाँ पे। तो उसके लिए ना आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो ना कि चिंतामणि का डेकोरेशन वगैरह आपको देखना है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, तभी जाके आप मेरे नेक्स्ट ब्लॉग में जब मैं चिंतामणि का ब्लॉग डालूंगा तो आपको वो डेकोरेशन वगैरह देखने यहाँ पे मिलेगा। आई होप गाइज आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, लाइक शेयर कमेंट दबा के करना, क्योंकि अभी तक तो मैंने सिर्फ वो जगह दिखाई जहाँ पे चिंतामणि का गणपति बैठा है, लेकिन अभी तक गणपति दिखाया नहीं, क्योंकि अभी तक इतना परमिशन वगैरह अलाउ ही नहीं होता पहली बार तो इतनी जल्दी गणपति बिठाने के लिए। तो फिर से बोलते आई होप आपको गाइज ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। वीडियो यहीं तक थी, लाइक शेयर कमेंट सब कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। मिलते ही ऐसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड टेक बाय।